यहाँ पे देखिएगा बेटा, लिखा हुआ है समरी इन इंग्लिश हैमलेट. विलियम शेक्सपियर हैमलेट इज अ ट्रेजेडी बिलीव रिटन बिटवीन 1599 एंड 1601. इट इज द स्टोरी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क हु टेक्स रिवेंज ऑन हिज अंकल द करंट किंग फॉर किलिंग हिज फादर द फॉर्मर किंग. इट इज वन ऑफ द शेक्सपियर बेस्ट नॉन प्लेज वन ऑफ द मोस्ट कोटेड वर्क ऑन इंग्लिश लैंग्वेज and often included on list of the world's greatest literature. Critics have called Hamlet Shakespeare's greatest play. Critics jo hai Hamlet ko Shakespeare ka greatest play kehte hain. It is longest play in the entire Shakespeare canon. The central character of the play is Prince Hamlet. He is the son of late King Hamlet who died 2 months earlier and the nephew of King Claudius, his father's brother and successor. Hamlet is grieving at his father's death and suspects his murder by Claudius. Central character of the play जो है वो प्रिंस हैमलेट है. वो किंग सन है लेट किंग ऑफ हैमलेट का. किंग हैमलेट जो है वो मर चुका है. Who died 2 months earlier, जो कि 2 महीने पहले ही मरा है. और नेफ्यू ऑफ किंग क्लॉडियस है. ये जो हैमलेट है ये भतीजा है किंग क्लॉडियस का एंड हिज फादर्स ब्रदर. और क्लॉडियस इसका चचा लगता है और ये उसके बाप का भाई है एंड सक्सेसर. और सक्सेसर है यानी कि बादशाह के बाद जो दूसरा बादशाह बना वो तो उसके बेटे को होना चाहिए था. लेकिन किंग क्लॉडियस जो है वो फौरन से इसकी माँ से शादी कर लेता है और इसकी माँ भी किंग क्लॉडियस से शादी कर लेती है. और ये क्लॉडियस क्यों शादी करता है इसकी माँ से, ताकि किंग ये बन जाए. हालांकि नेक्स्ट जो किंग बनना था वो तो बादशाह के बेटे को बनना था ना, लेकिन क्योंकि क्लॉडियस जो है वो क्वीन से शादी कर लेता है इसलिए क्लॉडियस किंग बन के बैठ जाता है. अब इसको ये भी होता है कि भाई मैं तो बच्चा बनने जा रहा था, इसने मेरी माँ पे भी कब्जा कर लिया और वो मुल्क जिसका बादशाह मुझे बनना था उसकी स्टेट के ऊपर भी इसने कब्जा कर लिया. हैमलेट इज ग्रीविंग एट हिज फादर्स डेथ एंड सस्पेक्ट्स हिम मर्डर्ड बाय क्लॉडियस. हैमलेट जो है उसको अपने फादर की डेथ का बहुत गम था और उसको ये शक था कि क्लॉडियस ने ही मर्डर किया है उसके बाप का. द प्ले ओपन्स ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट एट एलनिजोर द रॉयल कैसल. प्ले जो है एक कोल्ड विंटर नाइट एट एलनिजोर, एक रॉयल कैसल होता है वहां पे ये ओपन होता है, यानी कि इसकी सेटिंग्स वहां की हैं. टू सेंचुरीज मर्कुलस एंड बर्नार्डो आर ट्राइंग टू परसुएड हैमलेट्स फ्रेंड होरेशियो that they have seen recently deceased King Hamlet's court. दो जो वहाँ पे सेंट्रीज होते हैं वहाँ के जो दरबान होते हैं वो मर्कुलस और बर्नार्डो वो कहते हैं, वो परसुएड करते हैं हैमलेट के फ्रेंड को, उसको मनाते हैं होरेशियो को कि भाई हमने हैमलेट का गोस्ट देखा है, किंग हैमलेट का गोस्ट देखा है. होरेशियो इन द बिगनिंग डज नॉट बिलीव इट बट कम्स टू बिलीव इट व्हेन द गोस्ट अपीयर्स अगेन. होरेशियो शुरू में तो इस चीज पे बिलीव नहीं करता, लेकिन बाद में जब वो बिलीव इस पे करने लग जाता है, जब वो गोस्ट दोबारा से अपीयर होता है, होरेशियो ट्राइज टू टॉक विद इट बट इट वैनिशेस विदाउट सेइंग एनीथिंग. होरेशियो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो जो है गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है. इन द मीन टाइम द कोर्ट इज असेंबल्ड टू सेलिब्रेट क्लॉडियस मैरिज टू जर्ट्रूड. और उसी वक्त जो है कोर्ट जो है वो सेलिब्रेट करता है क्लॉडियस की मैरिज को जर्ट्रूड के साथ, हु इज प्रिंस हैमलेट मदर एंड वॉज किंग हैमलेट क्वीन, जो कि प्रिंस हैमलेट की माँ है और किंग हैमलेट की क्वीन थी वो. क्लॉडियस यूजेस द अपॉर्चुनिटी टू अनाउंस एंड एंड टू ऑफिशियल मॉर्निंग फॉर हिज ब्रदर. क्लॉडियस जो है एक इस अपॉर्चुनिटी को अनाउंस करता है, मतलब वो यूज करता है इस अपॉर्चुनिटी को कि वो अनाउंस करे ताकि वो जो उसके भाई का जो एक मातम है वो अब एंड हो. हैमलेट इज एंगर्ड बाय दीज इवेंट्स एंड इन अ सोलोलॉग compares this world with an unwanted garden and wishes death for himself. Hamlet जो है इन्हीं events की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब frustrated हो जाता है और वो जो है एक इन अ सोलिक है वो compare करता है इस दुनिया को with an unwanted garden, wishes death for himself. और अपने लिए वो जो है वो इस दुनिया को एक unwanted garden के साथ compare करता है और वो wish करता है himself for death. At that very moment, Horatio and watchmen meet Hamlet. वो जो दरबान होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, वॉचमैन होते हैं, वो हैमलेट से मिलते हैं और उनको पूरी वो जो रात की जो हैपनिंग, यस्टर नाइट्स हैपनिंग, यानी कि जो कल रात की हैपनिंग्स होती हैं गोस्ट वाली, वो उसको बता देते हैं. हैमलेट अफर्म्स दैट
all is not well and decide to confront the ghost. और हेमलेट को ये यकीन हो जाता है कि कुछ भी ठीक नहीं है और वो कहता है कि वो इस ghost से बात करेगा मिलेगा. At the midnight that evening, Hamlet encounters the ghost himself. During a conversation with his son, the ghost confides that he was poisoned by Claudius, ordering Hamlet to seek revenge on man. वो order करता है हेमलेट को तब वो जो इस कन्वर्सेशन होती है अब उस गोस्ट की कन्वर्सेशन होती है अपने बेटे के साथ यानी कि गोस्ट किसका होता है वो किंग हेमलेट का होता है और गॉड जो है गोस्ट जो है वो उसको कन्फाइड करता है कि वो जो है उसको बताता है ये सारा राज जो है उसको बता देता है कि उसको क्लॉडियस ने जहर दिया था. ऑर्डरिंग हेमलेट टू सीक रिवेंज ऑन द मैन और वो ऑर्डर करता है हेमलेट को कि वो इस आदमी से बदला ले हु Usurped his throne and married his wife. जिसने उसका throne जो है उससे छीन लिया और उसकी बीवी से शादी कर लिया. The ghost disappeared with the dawn. सुबह होते ही ghost गायब हो जाता है. Confirmation of the murder further enrages Hamlet and he decided to affect madness to deceive Claudius. अब जो है ये confirmation of murder जो है वो further enrage कर देती है Hamlet को और वो decide करता है कि to affect वो कि वो affect कहते हैं एक्ट करे मतलब वो दिखावा करे कि शायद वो पागल हो गया है ताकि वो क्लॉडियस को धोखा दे सके. पागलपन का मतलब वो एक्ट करता है. हैमलेट इन ऑर्डर टू कन्वे द न्यूज ऑफ हिज मैडनेस हैमलेट जो है वो अपनी मैडनेस की जो न्यूज है वो फैला देता है. फर्स्ट ट्राइज टू अपसेट पोलोनियस एट फर्स्ट तो वो ट्राई करता है कि वो पोलोनियस को अपसेट करे. द किंग्स चीफ काउंसलर जो कि किंग का चीफ काउंसलर था उसका चीला था उसका स्पाई था पोलोनियस डॉटर ओफिलिया. ठीक है वो सबसे पहले तो उसकी पोलोनियस की डॉटर ओफिलिया को जो है अपसेट करने की कोशिश करता है. हु इज ऑल्सो इन रिलेशन विद हेमलेट बाय अब्रप्टली अपीयरिंग इन हर चैम्बर जो कि हेमलेट के साथ रिलेशन में थी बाय अब्रप्टली अपीयरिंग इन हर चैम्बर और वो जो है मतलब उसके चैम्बर में अपेयर होता है पागल बन के ना. ओफिलिया नरेट्स द होल इंसिडेंट ऑफ हैमलेट स्ट्रेंज बिहेवियर विद हर टू हर फादर और ओफिलिया जो है ये पूरा का पूरा इंसिडेंट ऑफ हैमलेट स्ट्रेंज बिहेवियर जो है वो अपने फादर से सारा बता उसको बताती है. पोलोनियस मिसअंडरस्टैंड द कॉज एंड कंक्लूड्स एन एक्सटेसी ऑफ लव is to blame for Hamlet's troubled mental condition. और पोलोनियल जो है पोलोनियस जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर जाता है उसको उस कॉज को और वो ये कंक्लूड करता है कि शायद इसको पागलपन का कोई दौरा पड़ गया है ऑफ लव मोहब्बत में शायद वो दीवाना हो चुका है. is to blame for Hamlet's troubled mental condition. तो वो कहता है कि ये हेमलेट की mental condition का troubled mental condition का बाइस है. However, Claudius knew that there is more than meets the eye and decide that madness is in great one must not unwatched go. लेकिन जो है Claudius ये भी जानता है कि there is more than meets the eye कि इससे कहीं ज्यादा वो ये मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग उसको देखते हैं and decides और वो ये decide करता है कि ये जो madness होती है ना बड़े लोगों में must not be unwatched go. ठीक है वो जो है वो कोई अनवॉच्ड गो यानी कि एक अनवॉच्ड गो नहीं है यानी कि हर कोई अब इसकी बातें करेगा. Therefore he sends two student friend of Hamlet Rosencrantz and Guildenstern to seek out the reason of his madness. तो उसने कहा भाई इसको कोई आया गया तो नहीं करेगा ठीक है हर कोई देखेगा हर कोई बातें करेगा तो इस वजह से वो उसके दो फ्रेंड्स को बुला लेता है ताकि वो उसकी मैडनेस की रीजन जो है उसको फाइंड आउट करे. Hamlet greets Rosencrantz and Guildenstern warmly, but quickly guesses their purpose. Hamlet जो है वो Rosencrantz और Guildenstern को जो है warmly greet तो करता है, लेकिन वो उनके purpose को जान जाता है. When he expresses his dissatisfaction with the world, Rosencrantz informs him that a troop of actors have come in the palace who can entertain him. तो वो जो है जब वो अपनी डिससेटिस्फेक्शन जो है वो एक्सप्रेस करता है तो रोजेनक्रांट्स जो है वो उसको इन्फॉर्म करता है कि एक ट्रूप ऑफ एक्टर्स जो है वो वहां पे आने वाला पैलेस में जो कि उसको एंटरटेन करेंगे. हैमलेट्स कॉल देम इन हिज प्रेजेंस एंड आस्क देम टू रिसाइट अ फ्यू लाइंस फ्रॉम
हेक्यूबास ट्रेजेडी, हेमलेट जो है उनको बुलाता है इन हिज प्रेजेंस और उनको कहता है कि तुम जो हो हेक्यूबा की ट्रेजेडी में से कुछ लाइंस जो है रिसाइट करो. व्हेन द एक्टर डिस्क्राइब द मिजरी ऑफ हेक्यूबा एट द डेथ ऑफ हर हस्बैंड प्रियाम, टीयर्स स्टार्ट रोलिंग फ्रॉम हिज आईज. जब वो जो एक्टर जो है वो डिस्क्राइब करते हैं मिजरी ऑफ हेक्यूबा को एट द डेथ ऑफ हर हस्बैंड प्रियाम, जब उसकी डेथ, हस्बैंड की डेथ प्रियाम पे जो वो जब वो डायलॉग बोलता है उसकी मिजरी है क्यूबा की वो बताता है, तो उसकी आंखों से जो है आंसू जारी हो जाते हैं. एट दिस मोमेंट हैमलेट कर्सेस हिमसेल्फ फॉर नॉट कैरिंग आउट द टास्क इंटरेस्टेड बाय द गोस्ट. अब वो अपने आप को कर्स करता है कि अभी तक उसने, वो जो गोस्ट ने उसको टास्क दिया था उसने अभी तक उस पर काम नहीं किया. एट दैट मोमेंट हैमलेट हिट्स अपॉन द आइडिया टू स्टेज अ प्ले. The murder of Gonzago with Hamlet was the mousetrap. Or murder of Gonzago, वो एक जो है stage play जो है वो announce करता है जिसमें वो कहता है कि इस drama का नाम है murder of Gonzago, जो कि Hamlet उसको कहता है cause the mousetrap. और Hamlet उसको mousetrap का नाम देता है as means of testing his uncle's guilt. और वो जो है test करना चाहता है कि उसकी uncle की guilt को. In this play, within a play, he will have the player before perform a scene closely resembling the sequence by which Hamlet imagines his uncle to have murdered his father, so that if Claudius is guilty, he will surely react. Ab iske play within a play jo hai, wo jo hai, he will have the player perform a scene. Theek hai, wo jo hai, ek uske paas kuch players hote hain jo ki perform karte hain. एक सीन को जो कि बिल्कुल रिजेंबल करता है उसी कॉन्सिक्वेंसेस को, कॉन्सिक्वेंस को बाय विच हैमलेट इमेजिन्स हिज अंकल टू हैव मर्डर्ड हिज फादर, कि किस तरीके से उसके अंकल ने जहर देके उसके फादर को मारा है. सो दैट इफ क्लॉडियस इज गिल्टी ही विल श्योरली रिएक्ट. तो अगर तो क्लॉडियस गिल्टी है तो वो श्योरली रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसको खुद यकीन नहीं होता कि गोस्ट ने जो बात की है वो कोई इवल है जो कि उसको उकसा रहा है या फिर वो सचमुच उसका बाप है. तो इसको टेस्ट करने के लिए, क्लॉडियस को टेस्ट करने के लिए वो ये सब कुछ करता है. क्लॉडियस अग्रीज टू अटेंड द प्ले, बट फर्स्ट ही एंड पोलोनियस हाइड देमसेल्व्स टू स्पाई विद ओफेलिया ऑन हैमलेट. क्लॉडियस जो अग्री तो कर लेता है अटेंड करने के लिए प्ले को, लेकिन एट फर्स्ट वो जो है ही एंड पोलोनियस जो है वो अपने आप को छुपा लेते हैं हिमसेल्फ टू स्पाई विद ओफेलिया ऑन हैमलेट, कि वो ओफेलिया को हैमलेट के खिलाफ जासूसी करने के लिए जो है वो अर्ज करें. बिलीविंग दैट हिमसेल्फ अलोन, वो समझता है कि वो अलोन है. हैमलेट रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज प्रेडिकमेंट अंटिल ओफेलिया अलर्ट्स हिम टू हर प्रेजेंस. ठीक है, हैमलेट जो है अपने प्रेडिकमेंट पे रिफ्लेक्ट करता है यहाँ तक कि ओफेलिया अलर्ट करती है उसको टू हर प्रेजेंस. हैमलेट बीरेट्स हर फॉर हर इमोडेस्टी एंड डिसमिसेस हर फॉर अ ननरी. हैमलेट जो है वो उसको बिरेट कर देता है उसकी इमोडेस्टी की वजह से और उसको जो है डिसमिस कर देता है टू अ ननरी, अ क्रूअल डबल एंटेंडर एज ननरी वाज एलिजाबेथन स्लैंग फ्रॉम ब्रॉदल कॉजिंग हर ग्रेट डिस्ट्रेस. फियरिंग फॉर हिज लाइफ द किंग डिसाइड्स टू बैनिश हैमलेट टू इंग्लैंड. अब जो है वो अपने जिंदगी से डरता है, यानी कि मतलब उसको ये डर होता है कि कहीं हैमलेट उसको किल ना कर दे या उसकी जो राज है उसको फाश ना कर दे. किंग जो है वो डिसाइड करता है कि वो हैमलेट को वहां से बैनिश कर देगा टू इंग्लैंड. बट फर्स्ट पोलोनियस परसुएड हिम टू अलाउ जर्ट्रूड टू ट्राई टू डिस्कवर द कॉज ऑफ हैमलेट्स मैलेज. लेकिन पोलोनियस जो है वो परसुएड करता है कि वो जर्ट्रूड जो है कोशिश करे, वो डिस्कवर करे कॉल हैमलेट की इस मलेस की क्या वजह है, उसके पागलपन की क्या वजह है. हैमलेट डायरेक्ट्स द एक्ट्रेस प्रिपरेशन, हैमलेट जो है एक्ट्रेस की प्रिपरेशन को डायरेक्ट करता है. द कोर्ट असेंबल्स एंड द प्ले बिगिन, पूरा कोर्ट इकट्ठा हो जाता है और वो जो प्ले होता है वो शुरू हो जाता है, वो जो स्टेज ड्रामा होता है. हैमलेट प्रोवाइड्स अ रनिंग कमेंट्री थ्रू आउट, और हैमलेट जो है एक रनिंग कमेंट्री करता थ्रू आउट. व्हेन द मोमेंट वेयर द किंग इज पॉइजन्ड अराइव्स Claudius rises abruptly. जैसे ही वो मोमेंट आता है जब वो स्टेज के ऊपर एक किंग को जहर दिया जाता है तो क्लॉडियस अचानक से गुस्से से खड़ा हो जाता है एंड लीव्स द रूम. हैमलेट एंड होरेशियो एग्री दैट दिस प्रूव्स हिज गिल्ट, और हैमलेट और होरेशियो दोनों एग्री करते हैं कि अब उसकी गिल्ट प्रूफ हो गई है. हैमलेट इज समन टू हिज मदर्स बेड चैम्बर एंड एन राउटेड
discovers Claudius praying. और हेमलेट को उसकी माँ जो है अपने बेड चैम्बर में बुलाती है और वो जो है उससे उसकी थोड़ी सी जो है मतलब बहस हो जाती है उस वक्त जो है, और वो जब क्लॉडियस को मारने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो तो प्रे कर रहा है. पोइस टू स्ट्राइक हेमलेट हेजिटेट्स सिंस ही बिलीव्स दैट किलिंग क्लॉडियस वाइल इन प्रेयर वुड सेंड क्लॉडियस सोल टू हेवन. हेमलेट जो हेजिटेट करता है कि इस तरह से क्लॉडियस को अगर वो मारेगा जबकि वो प्रे कर रहा है तो वो तो जन्नत में चला जाएगा. हेमलेट कंसीडर्ड दैट इट वुड बी एन इनएडिकेट रिवेंज एंड डिसाइड टू इट. और हेमलेट इसको कंसीडर करता है कि शायद ये एक इनएडिकेट रिवेंज है और वो डिसाइड करता है कि अभी वो वेट करेगा. रीचिंग हिज मदर्स चैम्बर हेमलेट कन्फ्रॉन्ट्स जर्ट्रूड. जब वो अपनी मदर के चैम्बर में पहुंचता है तो हेमलेट जो है वो जर्ट्रूड से कन्फ्रॉन्ट करता है एंड एक्यूजेस हर ऑफ बिट्रेइंग हर हस्बैंड एंड ऑफ बीइंग इन अलायंस विद द मर्डर ऑफ हिज फादर. वो अपनी माँ पे इल्जाम लगाता है और वो उसको कहता है कि तुमने मेरे बाप को धोखा दिया है, और वो उसको ये भी कहता है कि तुम जो है उसके फादर के कातिल के साथ मिली हुई हो. जर्ट्रूड गेट्स पैनिक एंड क्राइज आउट. जर्ट्रूड जो है पैनिक हो जाती है और वो रोना शुरू हो जाते हैं. पोलोनियस हु वाज हिडन बिहाइंड अ टेपेस्ट्री टू हियर द कन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन मदर एंड सन रिएक्ट्स बाय क्राइंग हेल्प हेल्प. और जो पोलोनियस जो होता है जो कि पीछे छुपा होता है कि इन दोनों की बातें सुने बिटवीन मदर एंड सन, वो जो है रिएक्ट करना शुरू कर देता है कि हेल्प हेल्प. वो समझता है कि अब ये पागल हो गया है क्योंकि हेमलेट तो कहीं अपनी माँ को किल ना कर दे. इट प्रॉम्प्ट्स हेमलेट टू स्टैब वाइडली एट द टेपेस्ट्री. तो वो जो है हेमलेट को नहीं पता होता कि पीछे पोलोनियस है, तो वो टेपेस्ट्री के ऊपर वाइडली स्टैब कर देता है. हेमलेट हो ही स्टैबल्ड द किंग. और उसको ये लगता है शायद पर्दे के पीछे किंग छुपा हुआ है, बट इंस्टेड डिस्कवर्स पोलोनियस कॉर्प्स. लेकिन पीछे से पोलोनियस की लाश निकलती है. हेमलेट एक्यूजेस जर्ट्रूड ऑफ कॉम्प्लिसिटी इन हिज फादर्स डेथ. He admits a small part. Hamlet accuses करता है जर्ट्रूड को कि तुम्हारी वजह से मेरे बाप की डेथ हुई है, और वो इसको एडमिट कर लेती है. द गोस्ट देन अपीयर्स बट इट इज विजिबल ओनली टू हेमलेट. गोस्ट दोबारा से अपेयर होता है लेकिन ये सिर्फ हेमलेट को विजिबल होता है. He urges Hamlet to treat Gertrude gently, but oh, avenge his death on Claudius. और वो जो हेमलेट का वो जो गोस्ट अपेयर होता है वो उसको कहता है कि तुम जर्ट्रूड को बहुत हम्बली ट्रीट करो, और लेकिन अवेंज हिज डेथ ऑन क्लॉडियस. लेकिन उसकी डेथ का बदला वो क्लॉडियस से लो. अनेबल टू सी द अपैरिशन जर्ट्रूड टेक्स हेमलेट बिहेवियर फॉर अ साइन ऑफ मैडनेस. जब वो उस अपैरिशन को उस भूत को नहीं देख पाती तो वो स्पिरिट को नहीं देख पाती तो जर्ट्रूड समझती है कि शायद ये पागल हो चुका है. हेमलेट ड्रैग्स पोलोनियस कॉर्प्स अवे एंड हाइड्स इट. हेमलेट जो है पोलोनियस की लाश जो है उसको छुपा देता है. फॉर दिस क्राइम क्लॉडियस इमिडिएटली सेंड्स हेमलेट टू इंग्लैंड. इस क्राइम की वजह से क्लॉडियस जो है इमिडिएटली हेमलेट को इंग्लैंड भेज देता है एकॉम्पनीड बाय रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डेनस्टर्न. हाउएवर क्लॉडियस प्लान फॉर हेमलेट इंक्लूड्स मोर देन बैनिशमेंट एज ही हैज गिवन अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट टू रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डमैन फॉर द किंग ऑफ इंग्लैंड रिक्वेस्टिंग द प्रिंस एग्जीक्यूशन. ठीक है, और वो जो है एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट देता है रोजेनक्रांट्स और गिल्डमैन को फॉर द किंग ऑफ इंग्लैंड को, जो कि उसे रिक्वेस्ट करता है कि इस प्रिंस को एग्जीक्यूट कर दे, यानी कि इसको फांसी लटका दे. ड्यूरिंग द जर्नी हेमलेट डिस्कवर्स द डॉक्यूमेंट एंड एमेंड्स इट सो दैट रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डस्टर्न आर एग्जीक्यूटेड इन हिज प्लेस. अब वो कहीं उसके हाथ वो खत लिख जो है वो डॉक्यूमेंट लग जाता है जिसमें बादशाह ने यानी कि क्लॉडियस ने ये लिखा होता है कि हेमलेट को जो है ना एग्जीक्यूट कर दो. तो हेमलेट जो है उस डॉक्यूमेंट को रिप्लेस कर देता है कि अपना नाम मिटा के वो रोजेनक्रांट्स और गिल्डेनस्टर्न का नाम लिख देता है कि इन दोनों को एग्जीक्यूट कर दो. द फॉलोइंग डे हेमलेट इज किडनैप्ड बाय पायरेट्स एंड इज रिटर्न्ड फॉर रैनसम टू किंग क्लॉडियस. और अगले ही दिन जो है हेमलेट जो है उसको पायरेट्स चोर जो है वो जो बहरी कजाक होते हैं वो उसको किडनैप कर लेते हैं एंड इज रिटर्न फॉर रैनसम टू किंग. और वो जो है किंग क्लॉडियस को कहते हैं कि इन रिटर्न वो उसको जो है वो कोई पैसे दे ताकि वो प्रिंस को वापस करें.
In the aftermath of her father's death, Ophelia goes mad with grief and drowns in the river. Aftermath of her father's death, Ophelia जो है अपने बाप की डेथ के बाद जो है वो जो है पागल हो जाती है ग्रीफ में और वो एक रिवर में डूब के मर जाती है. बोलोनिया सन लर्टस, who has been staying in France, returns to Denmark in a rage. पोलोनियस का बेटा लर्टस जो कि फ्रांस में स्टे कर रहा होता है वो वापस आता है डेनमार्क, बहुत गुस्से में होता है. क्लॉडियस कन्विंसेस हिम दैट हैमलेट इज टू ब्लेम फॉर हिज फादर्स एंड सिस्टर्स डेथ. और क्लॉडियस उसको ये कन्विंस करता है कि हैमलेट ही का कसूर है कि तुम्हारी बहन और तुम्हारा बाप दोनों मर गए. व्हेन होरेशियो एंड द किंग रिसीव्स लेटर फ्रॉम हैमलेट इंडिकेटिंग दैट प्रिंस हैज रिटर्न्ड टू डेनमार्क आफ्टर पायरेट अटैक्ड हिज शिप एन रूट टू इंग्लैंड, Claudius concords a plan to use Lertus' desire for revenge to secure Hamlet's death. अब जो है जब उसको ये पता चलता है कि भाई वो तो वापस आ रहा है तो मतलब इंग्लैंड से वापस आ रहा है तो अब वो हैमलेट की डेथ को सिक्योर करने के लिए एक प्लान वो जो है वो करता है कि Lertus को वो एज अ प्लान में यूज करता है कि Lertus के हाथों जो है Hamlet को मरवा दे. Lertus will fence with Hamlet in innocent support, but Claudius will poison Lertus' blade so that if he draws blood, Hamlet will die. लेकिन Claudius जो है Lertus की जो तलवार होती है उसके blades जो होते हैं उस पर जहर लगा देता है कि अगर Hamlet जो है वो थोड़ा सा भी उसका उसको जख्म हुआ तो Hamlet मर जाएगा. As a backup plan, the king decides to poison a goblet. और इसी तरह वो जो है एक goblet यानी कि एक प्याले के अंदर जो है वो उसको poison डाल देता है, which he will give Hamlet to drink should Hamlet score the first or second hits of match. या अगर Hamlet जो है first या second score of the match score करेगा तो Hamlet उसको Hamlet को वो ये जहर वाला प्याला दे देगा. Hamlet returns to the vicinity of Alzinor just as Ophelia's funeral is taking place. Stricken with grief, he attacks Lertus and declares that he had in fact always loved Ophelia. अब इन दोनों की लड़ाई हो जाती है Lertus की और Hamlet की और वो कहता है कि भाई मैं जो हूँ ना तुमसे जो है in fact always loved Ophelia के वो कहता है कि हम दोनों लड़ेंगे लेकिन वो Ophelia से मोहब्बत का दावा कर देता है. But at the castle he tells Horatio that he believes one must be prepared to die. लेकिन वो जो है जब कैसल में जाता तो वो कहता है कि इंसान को मौत पे यकीन रखना चाहिए सिंस डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट क्योंकि डेथ किसी भी वक्त आ सकती है. अ फूलिश कोर्टियर नेम ऑस्ट्रिक अराइव्स ऑन क्लॉडियस ऑर्डर्स टू अरेंज द फेंसिंग मैच बिटवीन हैमलेट एंड लर्टस. और एक फूलिश कोर्टियर जिसका नाम ऑस्ट्रिक होता है वो क्लॉडियस के ऑर्डर पे वहां पहुंच जाता है ताकि वो एक फेंसिंग मैच बिटवीन हैमलेट और लर्टस जो है वो उसको प्ले कर सके या उसको जो है. और उसके बाद द स्वॉर्ड फाइटिंग बिगिंस. हैमलेट स्कोर्स द फर्स्ट हिट बट डिक्लाइन टू ड्रिंक फ्रॉम द किंग्स प्रॉफर्ड गॉबलेट. हैमलेट जो है फर्स्ट हिट जो है वो स्कोर कर लेता लेकिन वो किंग के प्रॉफर्ड गॉबलेट से जो है ड्रिंक करने से डिक्लाइन कर देता है, इनकार कर देता है. इंस्टेड जर्ट्रूड टेक्स अ ड्रिंक फ्रॉम इट जबकि जर्ट्रूड उससे एक सिप ले लेती है एंड इज स्विफ्टली किल्ड बाय द पॉइजन और वो जो है उस पॉइजन की वजह से मर जाती है. Lertus succeeds in wounding Hamlet, though Hamlet does not die of poison immediately. During the bout, Lertus is cut by his own sword blade and fearing his fast approaching death, he reveals to Hamlet that Claudius is responsible for the queen's death. He tells Hamlet about the conspiracy of Claudius and then he dies from the blade's poison. Hamlet then stabs Claudius through his poisoned sword and forces him to drink down the rest of the poison. हैमलेट जो है फिर उसके उसको क्लॉडियस को गिरे बांध से पकड़ लेता है और उसको मुक्का दे मारता है और उसको फोर्स करता है कि वो जो है उसको जो है स्टैब करता है थ्रू हिज पॉइजन शॉर्ट अपनी पॉइजन शॉर्ट से उसको इंजर कर देता है और उसको फोर्स करता है कि ये बाकी जो पॉइजन जो प्याला है वो ये खुद पिए वो जो वाइन है. क्लॉडियस डाइज एंड हैमलेट डाइज इमिडिएटली आफ्टर अचीविंग हिज रिवेंज. एट दिस मोमेंट a Norwegian prince named Fortinbras who has led an army to Denmark and attacked Poland earlier in the play enters the ambassador from England who report the Rosencrantz and Guildenstern are dead. aur usi waqt jo hai Norwegian prince jo Fortinbras hota hai who has led an army to Denmark jo ke ek army Denmark ki taraf leke ja raha hota hai attack kar deta hai Poland ko
earlier in the play, ab wo enter ho jata hai ambassadors from England se, jo ki report karte hain ki Rosencrantz aur Guildenstern dono death mar chuke hain. Fourteen Brass is stunned by the gruesome sight of entire royal family lying sprawled on the floor dead. But Fourteen Brass jo hai ye gruesome ye sight dekh ke us royal entire family ki ke sabhi mare hue on the floor, wo achanak se matlab stunned ho jate hain, hairan reh jate hain. He moves to take part of the kingdom aur wo jo hai part of kingdom le leta hai. Horatio fulfilling Hamlet's last request tells him Hamlet's tragic story. Fourteen Brass orders that Hamlet be carried away in a manner befitting a fallen soldier. और वो Fourteen Brass कहता है कि हैमलेट को जो है इन अ मैनर लेके जाया जाए जैसे कि वो एक फॉलन सोल्जर है.